नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए, क्योंकि जुल्म और प्रेशर और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चल सकते। मरियम नवाज ने नून लीग में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी, कहती है शहबाज शरीफ ने भाई की खातिर वजारत उस्मा को ठुकरा दिया। आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं थे। जब तक कोरोना है नवाज शरीफ को ऑपरेशन नहीं हो सकता, अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। शेख अजीब कहते हैं मरियम की सियासत झूठ पर कायम है। असली क़यादत से एक नहीं दो मुलाकातें हुई जिसमें एहसन इकबाल भी शामिल थे। एहसन इकबाल की शेख रशीद के दावों की तरदीद, कहते हैं शेख रशीद झूठ बोल रहे हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं थी। मेरी आर्मी चीफ के साथ कोई वन ऑन वन मुलाकात फीड ड्राफ्ट में मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। अदालत ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अपीलें अलग अलग कर दी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को होगी, मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की 3 रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जाली अकाउंट्स केसेस में आसिफ अली जरदारी की उबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर निसारखोरों की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को 10 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। 9 मुलजमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपीलें भी मुकर्रर करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन की मुश्किलात कम ना हुई। FIA ने जहांगीर तरीन को 1 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। अली तरीन की 30 सितंबर को फिर तलबी। सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब रावलपिंडी ने अयाज सिद्दीकी को कराची से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर जाली अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करवाने का इल्जाम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में करोड़ों के करप्शन में मुलव्वज़ 6 मुलजमान के रिमांड में 7 अक्टूबर तक तौसी। भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के दिवस सेक्टर में फायरिंग की। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान, पाक फौज का भरपूर जवाब। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मम्लिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की भेजी गई समरी की मंजूरी दे दी। तालीमी इदारे खोलने के दूसरे मरहले में वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 6 से 8 तक क्लासेस का पहला रोज। सिंध में दूसरे मरहले के तहत क्लासेस 28 सितंबर से शुरू होगी। वजीर तालीम सिंध के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के दौरे। कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल्स को सील करके मालिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बच्चों की सेहत से खेलने वाले किसी रियायत की मुस्तहक नहीं, सईद गनी की गुफ्तगू। पाकिस्तान कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कोशिश। 757 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दे दी। मुल्क भर से 532 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में मजीद 8 मरीज दम तोड़ गए। रांची में 11 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर 5 सरकारी स्कूल बंद। सऊदी अरब ने भारत के लिए अपनी तमाम परवाजों पर पाबंदी लगा दी। सऊदी हुकाम का कहना है कि भारत कोरोना पर काबू नहीं पा सका, अपने शहरियों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगा सकते।
पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने की वजह से सफरी पाबंदियों से आजाद रहेगा। विभाग के वजीर फवाद चौधरी का कहना है 2018 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ 90 पिटीशन फाइल की गई। 45 इलेक्शन पिटीशन पीटीआई ने फाइल की। ऑपोजिशन का धांधली का शोर सिर्फ मीडिया के लिए है। एपीसी की मेजबान पार्टी किस मुंह से हुकूमत पर तनकीद कर रही है, चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरियत के ठेकेदारों ने 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, कराची तबाह होगा तो असरात मुल्क पर पड़ेंगे। कराची में फिर बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। मलीर, लियाकताबाद, पेट्रोल बीट या ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन समेत शहर के दीगर इलाकों में बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किल। पानी की भी शदीद किल्लत के इलेक्ट्रिक ने गैस प्रेशर में कमी को वजह करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने में मसरूफ। बाबलनगर की तहसील कोल्टा पास में पोलियो मुहिम में रुकावट डालने पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना इंजेक्शन समेत 94 दवाओं की किल्लत पर काबू पाने का नया हुकूमती फार्मूला। कंपनियों के दबाव पर दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब असेंबली में मुजम्मती करारदाद। दवाओं की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। आवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली 98 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगा। नेप्रा 30 सितंबर को हतमी फैसला करेगा। मोटरवे ज्यादती केस मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल मफरूर। पंजाब पुलिस की तफ्तीश सिर्फ दावों और बयान तक महदूद। लिफ्टन कराची में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक कर दी। डीएनए भी करवा लिया गया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जमीन का तनाजा 5 जाने ले गया। कसूर के इलाके में चाचा की फायरिंग। भाई और 4 भतीजे जिंदगी की बाजी हार गए। मैयत अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान के दुश्मन हम पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर रहे हैं। कौम और इदारों ने इत्तेहाद की ताकत से दुश्मन के अजाइम को हमेशा नाकाम बनाया। आइंदा भी दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। वजीर आजम इमरान खान का कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करने पर तुर्क सदर को खराज तहसीन। रजब तैयब अर्दगान की हिमायत से कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद को तकवीत मिली है। इमरान खान का ट्वीट। मसला कश्मीर के हल के लिए दुनिया को अक़वामे मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल दरामद करवाना होगा। वफ़ाक़ी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वज़ीर आज़म जनरल असेंबली के खिताब में मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। स्मोक पर काबू पाने के लिए 7 नवंबर से 21 दिसंबर तक ईंटों के भट्टे बंद रखने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फिजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। लाहौर में सफाई की नाकिस सूरतहाल पर वजीर आला पंजाब बरहम। एमडी लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ओहदे से हटाने का हुक्म। उस्मान बुजदार की जेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास में मुतालिका अफसरान की सरजनिश।
दरादम जेल में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। वैन से असलहे की बड़ी मकदार बरामद, दो स्मगलर गिरफ्तार। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मियांवाली में पहाड़ी तोड़ा मकान आग पर गिर गया, दो घर जमीन बोस हो गए। हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में हेल्थ साइंस कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है, हेल्थ साइंस कॉम्प्लेक्स की तामीर 3 मराहिल में मुकम्मल होगी। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उमरा की इजाजत दे दी, रोजाना 6,000 जायरीन उमरा कर सकेंगे। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि 1 नवंबर से 20,000 मुसलमान उमरा अदा कर पाएंगे। बैनुल अफगान मुजाकरात के बावजूद पुरतशद्दुद वाकयात कम ना हो सके। चेयरमैन अफगान हाई काउंसिल अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अमरीकी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अमरीका से जंग बंदी मुआहदे पर अमल कराने का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड और सियाटल में एहतजाज पर ट्रंप इंतजामिया परेशान। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अमन अमान बहाल न होने पर तीनों शहरों को वफाकी इमदाद रोकने की धमकी दे दी। मरे सफीर के अजीम सूफी बुजुर्ग बहाउद्दीन जकरिया की 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स के 3rd रोज मुल्तान में आम तादील का नोटिफिकेशन जारी। दारुलहुकूमत मॉस्को में एयर शो, रूसी तैयारों के शानदार करतब। माहिर पायलट्स ने 11 डेड लूप्स लगाकर रिकॉर्ड काम कर लिया। कॉमी टीम मैनेजमेंट ने सब अच्छा है की रिपोर्ट जमा करा दी। दौरा इंग्लैंड के दौरान बदतरीन शिकस्त के बावजूद कोचेस ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करा दे दिया। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने भी आंखें बंद कर ली। जिम्बाब्वे की हुकूमत ने अपनी टीम को दौरे पाकिस्तान की इजाजत दे दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। दोनों टीमें 3 वनडे और 2 T20 मैचेस खेलेंगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और संग में रोबोट। जापान ने 25 टन वजनी और 18 मीटर लंबा रोबोट तैयार करके दुनिया को हैरान कर दिया। व्हीकल रोबोट आसानी से चल फिर भी सकता है।